हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास टेंथ के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन की बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 पोम्स कवर कर चुके हैं, द एम्प्टी हार्ट, द स्लीपिंग पॉटर और ऑडोन सॉलिट्यूड। तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख चुके हैं और आज हम बात करते हैं एक बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम पॉलिथीन बैग और लिखा गया है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। दोस्तों, हम लोगों के परिवार के सदस्यगण बहुत सारे चीज़ों को खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं या मॉल जो है शॉपिंग करने के उद्देश्य जाते हैं और वहाँ पर जो आइटम्स हम लोग खरीदते हैं तो उस आइटम्स को लाने के लिए हमें पॉलीथीन बैग दिया जाता है या जूट बैग दिया जाता है या पेपर बैग दिया जाता है। दोस्तों, पेपर बैग तो अच्छा है, जूट बैग भी एक परमानेंट यूज़ के लिए ठीक है। कुछ दिनों तक वह घर में रहता है और आवश्यक कार्यों में वह सहायक होता है, लेकिन जो पॉलीथीन बैग होता है वह भले ही कुछ एक क्षण के लिए वह हमें सहायता प्राप्त करने में सहायक होता है, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक होता है। वह चूँकि केमिकल प्रोडक्ट है और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, आज हम लोग उसी कविता के बारे में अध्ययन करेंगे, पॉलीथीन बैग, जो लिखा गया है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। सबसे पहले हम जान लेते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में। तो दुर्गा प्रसाद पांडा अकुपाइज, यहाँ पर देखिए भर्ब अकुपाय है, अकुपाय। अकुपाय मीन्स होता है स्थान लेना, स्थान छेकना। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख, प्रमुख या विशिष्ट, विशिष्ट कर सकते हैं, विशिष्ट। पोजीशन मतलब हो जाएगा यहाँ स्थान। उसके बाद उड़िया, उड़ीसा भाषा से संबंधित है या उड़ीसा से संबंधित है। लिटरेचर मतलब साहित्य। प्राइमरीली मीन्स मुख्यतः या मुख्य रूप से। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब होता है भाषाविद। उसके बाद आप आ जाइए हाँ, वाइस वर्षा पर। वाइस वर्षा मतलब होता है क्रम को उलट दिया गया, क्रम को उलट दिया गया है, क्रम, क्रम को उलट न, ये वाइस वर्षा होता है। उसके बाद यहाँ तो ये सावर्णी एंड रेज, तो इनके वर्क से। अब पॉलीथीन बैग टचेस, टचेस मतलब होता है छूना। प्रेशिंग इशू, प्रेशिंग इशू मतलब होता है महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा। उसके बाद इविल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है बुरा परिणाम, बुरा परिणाम। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। स्ट्रेंथ मतलब ताकत या क्षमता, ताकत या क्षमता। उसके बाद कोरिलेशन मतलब होता है संबंध, एक दूसरे से संबंध। ह्यूमन इमोशन मतलब होता है मानवीय, मानवीय संवेदना, संवेदना। मंडन, मंडन थिंग, मंडन थिंग मीन्स होता है सांसारिक, सांसारिक वस्तु या पदार्थ, पदार्थ। उसके बाद तो कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स था इस राइटर के सेक्शन में, सभी वर्ड्स को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इनके बारे में। दुर्गा प्रसाद पांडा अकुपाइज ए प्रोमिनेंट पोजिशन इन उड़िया लिटरेचर। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया लिटरेचर में एक विशिष्ट स्थान रखता है।
इसका एक विशिष्ट स्थान है उड़िया लिटरेचर में, उड़िया साहित्य में। प्राइमरली मतलब मुख्यतः वे लिंग्विस्ट थे, मतलब शिक्षा भाषाविद थे। पांडा आल्सो राइट्स पोइट्री इन इंग्लिश, दुर्गा प्रसाद पांडा वे अंग्रेजी में काव्य रचना भी करते थे। एंड समटाइम्स और कभी कभी ट्रांसलेट्स उड़िया पोम्स, और कभी कभी वे उड़िया पोम को कविता को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते थे। और क्रम उलटना मतलब कभी इंग्लिश पोम्स को उड़िया में कन्वर्ट करते थे, वाइस वर्सा मीन्स कन्वर्जन। अब हिज फेमस वर्क्स, उनके प्रमुख काव्य रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचना है उनका नाम है सावरणी एंड रेज। अब ये तो हो गया आप दुर्गा प्रसाद पांडा के विषय में देख लीजिए। अब ये जो कविता लिखे हैं पॉलीथीन बैग, इसके विषय में जो है जानकारी उस सेक्शन में है कि इन द प्रेजेंट पोम, इस कविता में, कविता जो पॉलीथीन बैग है, इस कविता में उन्होंने ही टचेस ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। इस कविता में उन्होंने पॉलीथीन बैग, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल के परिवेश में, उस पर ये बात किए हैं। और उसके द्वारा जो उत्पन्न जो बुरा परिणाम है उसको भी ये दर्शाए हैं। दोस्तों यूँ तो पॉलीथीन बैग बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का एक एसेंशियल पार्ट बन करके आया है। क्योंकि कोई भी, चाहे ग्रॉसरी गुड्स ही हम लोग खरीदने जाते हैं तो हम लोग पॉलीथीन में उसे ले करके आते हैं। जैसे यहाँ बिहार में भी पॉलीथीन बैग पर या पॉलीथीन पर वो बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना इसका एसेंशियलिटी है कि हम लोग मजबूर हैं इसका यूज़ करने पर। दोस्तों तो पॉलीथीन बैग के बारे में, जो पॉलीथीन बैग का जो ये प्रेसिंग इशू है उस पर ये डिपिक्टेशन किए हैं, और साथ ही साथ इसका जो इविल कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसका परिणाम है, उस पर भी ये बात किए हैं। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट पर, अपने हमारे वातावरण पर जो इसका प्रभाव है उस पर भी ये बताए हैं, चर्चा किए हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मंडन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग। अब सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो मेंशन किया गया है वह है कोरिलेशन। किसकी किसके बीच रिलेशन? तो एक ह्यूमन इमोशन और प्लस यहाँ पर मंडन थिंग, अर्थात इन्होंने मानवीय संवेदनाओं की तुलना एक सांसारिक वस्तु पॉलीथीन बैग से किए हैं। अब देखिए कितना ही अजीबोगरीब लगता है कि इन्होंने ह्यूमन इमोशन यानी सेंटिमेंट या फीलिंग की तुलना जो है वह सांसारिक जो वस्तु है पॉलीथीन बैग उससे किए हैं। दोस्तों तो ये जान लिए आप दुर्गा प्रसाद पांडा के विषय में, और जो प्रेजेंट मेरा पोएम है पॉलीथीन बैग उसके विषय में एक झलक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कविता के सेंट्रल आइडिया को, और पूरी कविता के प्रत्येक लाइंस का जो है डिटेल्ड एनालिसिस हम। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I...